सो अगर क्वेश्चन आता है व्हाई एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी की जरूरत क्या, तो पहले तो हमें डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी कि इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन बीइंग. द साइंटिफिक स्टडी किसकी कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग इन टोटैलिटी इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड टाइम. सो इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग इन टोटैलिटी इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड टाइम. पूरे इंडिया में जैसे ह्यूमन्स कहाँ पे हैं, स्टे एंड टाइम टाइम जैसे फॉर एग्जांपल पहले स्टार्टिंग ओरिजिन कब हुआ, किस तरीके से ओरिजिनेट हुए, इट्स अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड टाइम. सो एंथ्रोपोलॉजी की हमें जरूरत क्या है, तो इसके दो रीजन है कि इसमें क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो सिंथेटिक साइंस है, ठीक है, सिंथेटिक साइंस है बिकॉज इसके स्ट्रॉन्ग लिंक्स होते हैं अदर सोशल साइंस के साथ एंड बायोलॉजिकल साइंस, सोशल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस के साथ सोशल लिंक्स है, तो ये सिंथेटिक साइंस है. सेकेंड इसका रीजन क्या है कि इसने बहुत सारे मेजर इश्यू रिजॉल्व किए हैं इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ इट्स एक्जिस्टेंस, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी ज़्यादा 100 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है, बट इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ इट्स एक्जिस्टेंस में बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं. तो हमें सबसे पहले डेफिनेशन देनी है, जैसे एंथ्रोपोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन काइंड इन टोटैलिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम्स एंड स्पेस. एंड व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक तो ये है कि ये एक सिंथेटिक साइंस है, दैट सिंथेटिक साइंस है दैट इज स्ट्रॉन्ग लिंक विद द सोशल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस. सेकेंड रीजन है कि इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस इज हैव रिजॉल्व द मेजर इश्यूज. तो व्हाट आर द इश्यूज इसने रिजॉल्व किए, तो अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डिफरेंसेस, कि ह्यूमन डिफरेंसेस क्या होते हैं उसको समझने में इसने हेल्प किया, तो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डिफरेंसेस एंड देन अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ. हम अपने आप को समझ पाते हैं पहले तो ह्यूमन डिफरेंसेस क्या क्या है, तो अलग अलग सोसाइटी एग्जिस्ट करती क्यों करती है, वो हमें एंथ्रोपोलॉजी से पता चलता है. अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ हम अपने आप को समझ पाते हैं. अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी क्या पॉलिसीज बना रहे हो, सपोज किसी दूसरी सोसाइटी से दूसरा कल्चरल जहाँ पे वेरिएशन है, तो वहाँ पे उसका सिर्फ एक्शन एंथ्रोपोलॉजी. तो ट्राइबल जो पॉलिसीज है, ठीक है, वहाँ पे क्या करो, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी मतलब आप पॉलिसी बना रहे हो, एक्शन एंथ्रोपोलॉजी मतलब वहाँ पे ट्राइबल एरियाज में जाके आप कैसे एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, ठीक है, प्लान कर रहे हो, तो एक्शन एंथ्रोपोलॉजी में आ जाएगा. पॉलिसी बनाना अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी एंड, ठीक है, यहाँ पे प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन करना एक्शन एंथ्रोपोलॉजी. यूनिक अप्रोचेस टू एंथ्रोपोलॉजी, ऐसे यहाँ पे होलिज्म है, मतलब पूरा एज अ टोटैलिटी में ह्यूमन बींग को देखते हैं, जैसे सोशल भी इशूज आ गए, पोल्यूशन भी आ गया, बायोलॉजिकल भी आ गए, तो यूनिक अप्रोचेज एंथ्रोपोलॉजी की, लाइक होलिज्म. फिर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, कि आप किसी को जाके ऑब्जर्व करते हो, दूसरे सोसाइटी में जाके स्टडी करते हो, तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड क्रॉस कल्चरल स्टडीज कर रहे हो. सो दीज आर द यूनिक अप्रोचेज टू एंथ्रोपोलॉजी. सो ड्यू टू द होलिस्टिक नेचर एंथ्रोपोलॉजी, इसकी स्टडी इंपैरेटिव हो जाती है. होलिस्टिक नेचर है, एक चीज में फोकस नहीं कर रही, आर फोकसिंग ऑन मेनी थिंग्स. तो फर्स्ट ऑल व्हाई एंथ्रोपोलॉजी, फर्स्ट वी नीड टू राइट डेफिनेशन. That is, anthropology is a study of the human being in terms of space and time. So anthropology क्या है, is a, ठीक है, synthetic science है. हमें anthropology जरूर क्या है, it is synthetic science that is strongly linked between other social science and biological sciences. Second, इसका होता है कि in a very short span of its existence, it has solved major issues of the society. So it, we can understand the human differences. So for example, इसमें understanding human differences के अंदर क्या लिख सकते हैं, तो पहले जो प्री एग्रीकल्चर जो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी उनको समझा जाता था बारबरस, ये लोग बहुत सेल्फिश हैं, दे कैन गो टू एनी एक्सट्रीम टू ऑल एक्सट्रीम टू फुलफिल देयर सेल्फिश. तो ये जो जो मिथ है, ये सारी मिथ रिगार्डिंग ट्राइबल्स, वो खत्म किया, तो हम समझ पाए कि ट्राइबल्स ऐसे क्यों रहते हैं, तो जो मिथ थे रिगार्डिंग ट्राइबल्स वो खत्म हुए. सेकेंड, कल्चरल रिलेटिविज्म आया, ठीक है, तो उसने बताया कि जो एथनोसेंट्रिसिज्म है उसकी बायसनेस को एक्सपोज किया, ठीक है, एंड इसने जो मिथ है कि वेस्टर्न सुपीरियर होते हैं इसको भी खत्म किया, विच प्रूव टू बी मोरल बूस्टर टू द डेवलपिंग सोसाइटी. फिर थर्ड क्या है इसमें, क्या क्या कि ह्यूमन से जो हमने स्टडी करी ह्यूमन्स की, सारे ह्यूमन्स की, अफ्रीका की ह्यूमन्स अलग क्यों दिखते हैं, यूरोप के अलग क्यों दिखते हैं, तो हमें पता चला कि वी नो, वी गेट टू नो अबाउट द वननेस ऑफ ह्यूमन रेस, कि मतलब सारी रेसेज जो हैं दे आर वन एंड देर इज नो प्योर रेस एंड देर इज एब्सेंस ऑफ प्योर रेस. फिर इसने फोर चीज बताई कि डिफरेंट ग्रुप्स क्यों इवॉल्व होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोग, यूरोप में लोग अलग होते हैं, अफ्रीका में अलग होते हैं, इंडिया में होते हैं, बिकॉज दे अडेप्ट टू देयर एनवायरमेंट. इधर काले लोग होते हैं बिकॉज उनका एनवायरमेंट ऐसा इस तरीके से होता है, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, तो पीपल लाइक लुक डिफरेंट बिकॉज दे अडेप्ट डिफरेंटली टू डिफरेंट एनवायरमेंट. तो अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डिफरेंसेस में चार चीज़ें आ गई, कि जो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी को बार बार लोग समझते थे कि सेल्फिश होते हैं, तो ये मिथ रिगार्डिंग ट्राइबल्स को सॉल्व किया, तो मिथ रिगार्डिंग ट्राइबल्स. सेकेंड चीज़ उन्होंने क्या कि कल्चरल रिलेटिज्म का कंसेप्ट आया, तो उन्होंने बताया कल्चरल एथनोसिज्म में, एथनोसेंट्रिसिज्म में कितनी बायसनेस है, जो सुपीरियॉरिटी है मिथ, मतलब मिथ ऑफ सुपीरियॉरिटी वेस्टर्न कल्चर्स, ठीक है, वो कुछ नहीं है, मिथ था,
वेस्टर्न कल्चर का पीरियड, फिर रेसेस पता चले कि जेनेटिक फिजिकल एंड जेनेटिक फीचर के हिसाब से डिवाइड होते, तो इससे पता चला कि पूरी ह्यूमन रेस एक है और कोई भी ऐसी प्योर रेस नहीं है, तो कोई भी रेसेस नहीं है। फॉर ये भी पता चला लोग डिफरेंट क्यों दिखते, काले लोग ऐसे नहीं कि वो गलत गलत काम के, दे हैव अडॉप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट। तो रिवील द फिजिकल डिफरेंसेस क्यों आए हैं बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स, बिकॉज ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अडॉप्टेशन ऑफ द ईच ग्रुप, बिकॉज तो डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक इज ड्यू टू द इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अडॉप्टेशन ऑफ द ईच ग्रुप टू देयर एनवायरनमेंट। फिर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, हम अपने आप को समझ पाते हैं, ठीक है, हमें ये पता चल पाता है कि जो भी हमारा बिहेवियर इट इज लर्न, कि हम एक पर्टिकुलर वे में क्यों बिहेव करते हैं, इट इज लर्न बट नॉट इनहेरिटेड, ठीक है, अपने आप को समझ पाते हैं कि हम किस तरीके से ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। फिर इससे पता था कल्चरल रिलेटिविज्म का यूज करके हम वी कैन सॉल्व लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन द सोसाइटी। फिर सोशल इंट्रा ग्रुप एंड इंटर ग्रुप प्रॉब्लम, इंट्रा ग्रुप मतलब एक ग्रुप के अंदर की प्रॉब्लम और इंटर ग्रुप दो ग्रुप में लड़ाई हो रही है, तो उसको सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग कल्चरल रिलेटिविज्म, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट कैन बी यूज टू सॉल्व इंटर ग्रुप एक ग्रुप के अंदर और इंट्रा ग्रुप राइवलरी प्रॉब्लम्स एंड एनमिटी, कोई नफरत हो तो वी कैन सॉल्व इट। फिर अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी हम यूज कर सकते हैं व्हाइल मेकिंग पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग तो हम यूटिलाइज कर सकते हैं उनकी नॉलेज वाले कल्चरल वेरिएशन एंड फेल्ट नीड अप्रोच, सो वी कैन यूटिलाइज द नॉलेज वाई कल्चरल वेरिएशन एंड फेल्ट नीड अप्रोच। फिर एक्शन एंथ्रोपोलॉजी, वी कैन द एंथ्रोपोलॉजी डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, तो अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी में तो क्या होता है, जैसे एंथ्रोपोलॉजी की सर्विसेज यूज कर दी जाती है पॉलिसी बनाने में, एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, जहाँ पे कल्चरल वेरिएशन है एंड फेल्ट नीड अप्रोच, वहाँ पे कुछ अलग आपको नीड चाहिए फेल्ट नीड अप्रोच के बेसिस पे। एक्शन एंथ्रोपोलॉजी में क्या होगा कि आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करो इन द प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल्स, इन द एडमिनिस्ट्रेशन द पॉलिसी ऑफ ट्राइबल्स, तो जो ट्राइबल्स की पॉलिसीज होंगे आप डायरेक्टली एंथ्रोपोलॉजिस्ट को ला सकते हो, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट देमसेल्फ इन्वॉल्व इन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिसी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल। तो यूनिक अप्रोचेस टू एंथ्रोपोलॉजी देखे, तो यूनिक अप्रोचेस टू एंथ्रोपोलॉजी इन स्टडी ह्यूमन बींग इज लाइक, एक तो होलिज्म, ठीक है, होलिज्म मतलब इन टोटालिटी ऑफ ह्यूमन को लाइक समझते हो, पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, कि वहाँ पे जाके आप सोसाइटी को स्टडी करने की कोशिश करते हो, पार्टिसिपेंट को ऑब्जर्व करते हो, तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड क्रॉस कल्चरल स्टडी, क्रॉस कल्चर जैसे यूरोप का कल्चर कैसे अलग है ट्राइबल कल्चर से, क्रॉस कल्चर स्टडी करते हैं, तो इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग होलिस्टिक स्टडी ऑफ द ह्यूमन बींग, तो हमें होलिस्टिक स्टडी के बारे में पता चलता है। तो लास्ट में हम कंक्लूजन में क्या डाल सकते हैं, बिकॉज दस ड्यू टू होलिस्टिक नेचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट, दस ड्यू टू होलिस्टिक नेचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी स्टडी बिकम इंपरेटिव, तो दस ड्यू टू होलिस्टिक नेचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी स्टडी बिकम इंटरप्रेटिव इंपरेटिव, तो दस ड्यू टू होलिस्टिक नेचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी स्टडी बिकम इंपरेटिव। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये याद रखना किस तरीके से हम आंसर लिखेंगे, डेफिनेशन, फिर वाई क्यों हमें एंथ्रोपोलॉजी इंपॉर्टेंट है, सिंथेटिक साइंस है और इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए, फिर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डिफरेंसेस, अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, एक्शन एंथ्रोपोलॉजी, यूनिक अप्रोचेस टू एंथ्रोपोलॉजी इन द एंड, दस ड्यू टू द होलिस्टिक नेचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी स्टडी बिकम इंपरेटिव।